अगर आज के युग की बात की जाए तो आज हर अपराध के लिए एक सजा होती है जो पहले से तय होती है। अगर बात करें अरब देशों की तो वहाँ की सजा काफ़ी कठोर मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरातन तथा मध्ययुगीन इतिहास में इससे भी भयानक सजाएं होती थी जो हर गुनाह के लिए पहले से तय होती थी, या कभी समाज या फिर वहाँ के राजा उसे तय करते थे। यह एक बहुत ही सामान्य सा ज्ञान है कि पुरातन तथा मध्ययुगीन इतिहास में लोगों को उनके अपराध के लिए कई कठोर से कठोर सजा दिए जाते थे। उन्हीं में से एक सजा की हम यहाँ बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रैजनबुल। जी हाँ, यह प्राचीन इतिहास की सबसे भयानक सजाओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस वजह से इसे प्राचीन इतिहास की सबसे भयानक सजाओं में गिना जाता था। ब्रैजनबुल, जिसका आविष्कार पेरिलस द्वारा लगभग 570 बीसी से 554 बीसी के बीच किया गया था। प्राचीन ग्रीस द्वारा डिजाइन की गई इस विधि को सिसिलियन बुल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार सिसिली में हुआ था। यहाँ डेडोरस सिकुलस की बिब्लियोथेका हिस्टोरिका के अनुसार एथेंस के पेरिलस, या फिर कहें पेरिलस ने इसका आविष्कार किया और इसे अपराधियों को अंजाम देने के नए साधन के रूप में सिसिली के अक्रगास के अत्याचारी राजा फ्लोरिस को प्रस्तावित किया। रिवायत के अनुसार ब्रैजनबुल को एक वास्तविक बैल के रूप और आकार में डिजाइन किया गया था। यह पूरी तरह से कांसे का बना हुआ था जिसके अंदर का हिस्सा खाली रखा गया था और इसके एक तरफ दरवाजा रखा गया था जहां से कैदी को अंदर डाला जाता था। सजा पाने वाले को इसके अंदर डाल दिया जाता और इसके नीचे आग लगा दी जाती जो धातु को गर्म करती थी जब तक कि अंदर पड़ा व्यक्ति भुना नहीं जाता। इसे सुनने में ही रूह कांप जाती है, तो जिन पर बीतती होगी उनका क्या हश्र होता होगा यह शायद वही बता सके। बैल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कैदी की चीखें बैल की नाक से निकलते हुए एक मधुर संगीत उत्पन्न करती थी। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि इसका पहला शिकार भी पेरिलस ही था। जी हाँ, यह सिर्फ एक जांच या फिर कहे तो परीक्षण था कि यह सही से काम करता है या नहीं। मतलब इसकी जांच करने के लिए यह सही से काम करता है या नहीं, जिसने इसका आविष्कार किया उसी को इसका शिकार होना पड़ा इसके परीक्षण के लिए। पेरिलस ने फ्लोरिस से इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि कैदी की चीखें पाइप के माध्यम से सबसे कोमल, तैनी और मधुर संगीत के रूप में आपके पास आएंगी। पेरिलस का मानना था कि उन्हें अपने आविष्कार के लिए इनाम मिलेगा। बजाय इसके फ्लोरिस, जो इन शब्दों से घृणा करता था, ने पेरिलस द्वारा आविष्कार किए गए इस ब्रैजनबुल का परीक्षण करने का आदेश दिया, जिससे उसे बैल में घुसने के लिए छल किया गया। जब पेरिलस ने प्रवेश किया तो उसे तुरंत बंद कर दिया गया और नीचे आग लगा दी गई ताकि फ्लोरिस उसकी चीखों की आवाज़ सुन सके। इससे पहले पेरिलस मर पाता, फ्लोरिस ने दरवाज़ा खोला और उसे ले गया। कहा जाता है कि उसे बैल से मुक्त करने के बाद फ्लोरिस ने पेरिलस को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया और उसे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दावा किया जाता है कि जब थैरोन के पूर्वज टेलीमैसेज द्वारा फ्लोरिस की सत्ता को उखाड़ फेंका गया, तब फ्लोरिस को भी ब्रैजनबुल द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया गया था। आज आधुनिक विद्वान सवाल करते हैं कि क्या ब्रैजनबुल वास्तव में कभी अस्तित्व में था, या ये सिर्फ इतिहास की किसी मनगढ़ंत कहानियों का कोई रूप है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतिहास में से कई फैक्ट्स हैं जो ये चैनल आपके लिए लाता रहता है, तो इसी तरह के हिस्टोरिकल रैंडम फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।